आज समालका के कचरा प्रबंधन केंद्र का जायजा लेने पहुंचे स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र, लेकिन वहां पर पाई गई गंदगी को देखकर सुभाष चंद्र ने नगर पालिका अधिकारियों और ठेकेदार को मौके पर बुलाकर फटकार लगाई और उनको सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस गंदगी का जल्द से जल्द निपटान किया जाए। ये नगर पालिका समालका का डंपिंग पॉइंट है जो एक कंपनी को टेंडर दिया हुआ है और उस कंपनी की लापरवाही देखने को मिली है। इतना बड़ा कूड़े का ढेर ये लग चुका है, जबकि कंपनी के साथ ये टर्म कंडीशन फाइनल हुई है कि वो इसको उठवाएंगे, सेग्रीगेशन करेंगे और इसको यहाँ इस प्रकार का इतना बड़ा ढेर नहीं लगने देंगे। ये कंपनी की लापरवाही है और इसकी सारी रिपोर्ट मैंने यहाँ नगर पालिका सेक्रेटरी और यहाँ का जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है उनको निर्देश दिया है कि इसकी एक रिपोर्ट बना करके मुझे दें ताकि मैं इसकी सारी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दे सकूं और उनको बता सकूं कि इस प्रकार के लोग जो हरियाणा में स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं, तो ऐसी सब कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए बात करूँगा और अधिकारियों को भी मेरा ये सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की लापरवाही कतई ना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट है स्वच्छता अभियान, इसके लिए बिल्कुल भी हम कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और कंपनी जो भी है उस कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। तो स्वच्छता अभियान पे सरकार इतना जोर दे रही है, उसके बावजूद ना यहाँ सेग्रीगेशन है, फिर भी कंपनी और ठेकेदार मिलकर जो है ना उसको पलीता लगा रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा दुखद विषय है कि इस प्रकार का विषय जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और सरकार को एक भारी मोटी रकम सरकार के द्वारा इन कंपनियों को जारी है, उसके बावजूद भी अपनी काम को पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ी एक लापरवाही नगर पालिका की ओर से भी और कंपनी की ओर से तो है ही। नगर पालिका के भी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने भी आज तक इस प्रकार का कोई संज्ञान कंपनी के लिए नहीं लिया जिसको टेंडर दिया गया है। उस कंपनी के प्रति यदि कोई संज्ञान होता तो निश्चित रूप से इस प्रकार की दुर्दशा इस डंपिंग पॉइंट की नहीं होती। तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे अभी यहाँ कुछ सुधार होगा? निश्चित रूप से आज जैसे मैंने अभी नगर पालिका के जो एमई है, सेक्रेटरी हैं, उनसे बात की है कि पहले तो इसकी चार दीवारी हो, चार दीवारी के लिए, और ये कह भी रहे हैं कि चार दीवारी के लिए जो है वो टेंडर हो चुका है और जल्द ही इस चार दीवारी का काम शुरू हो जाएगा और इसके लिए जैसे सेग्रीगेशन और इसके उठान की व्यवस्था वो कंपनी को भी तुरंत आदेश और निर्देश होंगे कि वो कंपनी इसको तुरंत यहाँ से रिमूव करवाएगी।